राजा चित्रसेन उज्जैन नगर में राज किया करते थे। उनकी रानी का नाम था रूपादे। दो बच्चे थे याने याने, रूप और बसंत। दोस्तों, महारानी उनके बचपने में बीमार पड़ गई और उस बीमारी हालत में वो अपनी आंखों से सजीव चित्र देख रही थी। मेरे मेहरबानों भाई, किस तरह से वो बीमारी हालत में जब यह आशा नहीं रहती है कि मैं बच नहीं पाऊंगी, कभी मेरे यानी रूप और बसंत का लाड़ चाप बिखर न जाए, दोस्तों कैसे समझाती है अपने प्राणपति राजा चित्रसेन को।
खाक में उनकी देखा भार में। ओ मानस खानी उस मौसी ने, बच्चा के दिए पेट फाड़, बिन माँ के उन बच्चा की फिर धड़ते साफ काटी नाड़। मौसी का बुरा हो फंदा, किसने दिए घर ते ताड़। रानी स्वर्ग से धार जाती है और रूप और बसंत के लिए महाराज चित्रसेन ने अलग महल बनवा दिया, अध्यापक पढ़ाने के लिए कर दिया। लेकिन दोस्तों, मरते दम महारानी रूपा दे बसंत के लिए एक निशानी सौंप भी गई थी, बहुत प्यारी गेंद। उन्हें खेलने का शौक भी था और खेलते खेलते रूप बसंत उस गेंद से मौसी के महल के नजदीक आ चुके। रूप के बल्ले से वो गेंद दुर्भाग्यवश मौसी के महल में जा पड़ी। भाई किस तरह से जीत करता है बसंत, सुनिए रानी के अंदर। और ल्या दे मेरी गेंद नहीं, मैं तो खो दूंगा जिंदगानी। मरते दम दे गई मन बस माता यही निशानी। ल्या दे मेरी गेंद नहीं, खो दूंगा जिंदगानी।
रूप में ला में मौसी चलिया रूप में ला में मौसी समझ धर्म की माता हृदय में उम्मीद मातमा सीता हो एक नाता मन में मगन उमंग राह में आगे कदम बढ़ाता के बेरा था बालक ने रूठेगा भाग विधाता रूठेगा भाग विधाता रूप चाहता माता यही निशानी मौसी मेरी न्यू सोचे था मौसी मेरी खुश हो लाड लडावे सुत किसान समझ के मन गोदी के मठावे पुचकारेगी प्रेम भाव से भोजन मन खिलावे ऐसा प्यार करे मौसी जो मात याद ना आवे मेरी मात याद ना आवे समझावे जी मौसी नहीं नहीं धर्म की सत्य कहानी मरते दम दे गई मने बस माता यही निशानी पाल सिंह रूप कंवर की ऋषि पाल सिंह रूप कंवर की उम्र अभी थी बाली सुंदर सुगल सोहनी सूरत बे माता ने गाली चाले था मदमस्त चाल जन हंस चले मत वाली पूर्णमासी के चंद्रमा सी मुस्कान निराली सी मुस्कान निराली सुरती लाली को सुंदर ने फिर तेरी हंस महानी मरते दम दे गई मने बस माता यही निशानी लादे मेरी गेंद नहीं मैं खो दूंगा दम दे गई मने बस माता यही निशानी मेरी मेहरबानू निर्भागी रूप कमर गेंद लेने के लिए चल दिया उसे कुछ पता नहीं था कि मौसी मेरे साथ क्या माँ का जैसा व्यवहार नहीं करेगी दोस्त तो पहुंच गया दरवाजे पर और किस नजर से और किस जवान से पेश आती है सुनिए मौसी रूप के सामने सितारे जड़ी ऋतु यो बन जबानी जड़ी ऋतु यो बन जवानी
तारे जड़ी सुयो बन जवानी चढ़ी।
पानी चढ़ी, तेरी सूरत सितारे जड़ी, ऋतु यौवन जवानी चढ़ी। मेहरबान इस तरह से कहने लगा रूप, मां कोई मेरा कसूर हो तो बता दे, भला किस तरह से कहने लगा। बचाइए मात मेरी, मेरा धर्म बचाइए।
बेटे का रिश्ता से माँ मेरा धर्म बचाइए री माँ मेरा धर्म बचाइए। मेरे मेहरबान रूप अपनी मौसी का दुर्व्यवहार देख के और महल से भाग जाता है, लेकिन दोस्तों रानी रूपादे ने महाराज चित्रसेन को महल में बुलवाया और उल्टा सीधा आक्षेप रूप पर इस तरह से लगाया झूठा जाल रच के। भाई सुनियो रागनी चंद्र, पुत्र तेरा अयासी और ना मैं बोलू झूठ जरासी, युत कर गया से बदमाशी मेरी गैल में ओ से बदमाशी मेरी गैल में ओ मेरी गैल में हाँ मेरी गैल करने मजाक मेरे ते आंख फिर मुस्कावे था, पकड़ कलाई बेईमान गड़ में गल बैया लियावे था। बेटा बेटा कही मने पर रूप नहीं शरमावे था, सच बुझो महाराज रूप तो गंदा प्रेम निभावे था। चाहवे था करने अंगाई रे दिल में बदनियत छाई, और करन लग्या मन चाही ओ गंदे फैल में हो मेरी गैल में हाँ मेरी गैल में।
वो कैसे हो गया अधिकारी, लाड लडाना चावे थी बेरी लिकड़िया दुर्व्यवहारी। माँ बेटे का रिश्ता था मैं समझी को न्या मेहतारी, खींचण लाग्या साड़ी मेरी दांत भींच ले ससकारी। जारी था रूप कुकर्मी और था पापी नीचे अधर्मी, वन साध लई बेसरमी मिथ्या मेल में, ओ मेरी गैल में, हाँ मेरी गैल जी। मैं रूप कंवर ने फांसी पे चढ़वाऊंगी, या ते फांसी मिले रूप ने या मैं प्राण गवाऊंगी। मैं पतिव्रता नारी जब लो पीऊंगी न खाऊंगी, पर ऐसा ना होया पिया मैं तो लिकड़ महल ते जाऊंगी। चाहूंगी ना मैं जीना और जागूंगी खाना पीना, जा गाना जब लो ही ना यो मृत्यु रेल में, ओ मेरी गैल में, हाँ मेरी गैल का कोई भेद हाथ ना आया से, सृष्टि में सब ते ऊंचा यो त्रिया जाल बताया से। त्रियो ने ही अपने कुल का रोशन नाम कराया से, ऋषि पाल सिंह त्रियो ने तो कुल विध्वंस मिटाया से। गाया को सुंदर ने ढंग में भर के रंगत और उमंग में, नई नई सर्दियों के संग में साज की बेल में, ओ मेरी गैल में, हाँ मेरी गैल में। पिया पुत्र तेरा अयासी ना मैं बोलू झूठ जरा सी, ओ कर गया से बदमाशी रा मेरी भाई। रूप बसंत सगे भाई आज चले मौत के घर में, चाल पड़े चल्ला जबे रहम, चाल पड़े चल्ला जबे रहम, बांध हतगड़ी कर में। रूप बसंत सगे भाई आज चले मौत के घर में,
हाथ जोड़ प्रणाम किया। व्याकुल होया बसंत रूप ने पकड़ काल जा थाम लिया। मुलजम बन के चाले दोनू पण में सरकार फांसी का काम किया तने खुद फांसी का खेल रचा पल भर में। चुप बसंत सगे भाई आज चले मौत के घर में। सबका से राम रुखा
तगड़ी कर मैं बसंत सके भाई आज चले मौत के घर में। मेहरबानो रूप और बसंत कई दिन के भूखे प्यासे एक बस की वृक्ष में जड़ में बैठी हुई बात कर रहे थे। नींद आ जाती है भला देखिए रात्रि का आधा पहर हो जाता है क्या घटना घटती है। ऊपर विष का डंक चलाया।
कमर के ऊपर विष का डंक चलाया। सहारा छूट जाता है यार, रिश्तेदार का नाता टूट जाता है, बिगड़ी तो वो बला है, बिगड़ी में भगवान भी रूठ जाता है। मेरे मेहरबानों, रोटी की कहते कहते सोया था बसंत, और सवेरा होता है पंख पखेर उड़ने लगे, दोस्तों आंख खुल जाती है बसंत की, और क्या कहने लगा अपने भाई को जगाने के लिए, सुनिए तो बोलो। भात रूप तू बैठ
बैठा हो ले भाई। पता नहीं था रूप कंवर ने जेरी नाग चाट गया, झाग देख हैरान हुआ भाई ने सर पे काट गया। छोटा भाई रया भंवर में तू क्यों तर घाट गया, नाट गया प्राणों प्यारे ते प्रीत कहा चराई। होने लग्या फिर भात रूप तू बैठा हो ले भाई। बिन माँ के दो भाइयों पे झूठा आरोप लगागी। ओ बुरा हुआ जल्लादों की भी तेज हमें न खागी। रूप बता दे भैया अब मैं कहाँ जाऊं निर्भागी। Sonodec Video.